हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग वेबसाइट पर निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन पर हैं। यहाँ पे जो कल एक निमी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई थी उसको लेके कुछ डिस्कशन करना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उस अपडेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो चलिए चलते हैं हम लोग उस पेज पर। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना AICET 2023 CITES एग्जाम रिजल्ट पब्लिश, कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड व्यू। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनी मेल कैंडिडेट चूजन वुमेन इंस्टीट्यूट बाय मिस्टेक आर रिक्वेस्टेड टू चेंज देयर इंस्टीट्यूट इमिडिएटली फेलिंग विद रिजल्ट इन नॉन एलोटेशन ऑफ सीट। देखिए इसमें सीधे सीधे ये जो कहा गया है कि कोई भी अगर मेल कैंडिडेट है, मतलब कोई बॉयज़ है और उसने गलती से क्या पहले दिया गया था कि आप लोग जो है वुमेन कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, दो दिन तो इसी तरीके से चला, कल अचानक ही अपडेट आई कि अब आप लोगों को वुमेन वाला कॉलेज नहीं चॉइस करना, मतलब कि आपको जिस भी NSTI के आगे W लिखा हो उसको आपको चॉइस नहीं करता, W का मतलब वुमेन वाला। अब देखिए ये तो यहाँ पे सीधे सीधे दे दिया गया है कि आप अपने इंस्टीट्यूट को चेंज कर लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टूडेंट्स के साथ में कितना धोखा हो रहा है। बच्चों ने फीस पेमेंट कर दी, अब बच्चों ने फीस तो पेमेंट की और कॉलेज भी चॉइस कर दिया, रैंक भी उनकी अच्छी खासी दिखाई दे रही थी। अब जब इंस्टीट्यूट उन्होंने चॉइस कर दिया फिर इसके बाद में ये चीज़ें आ रही हैं सामने। अब जब वो फिर से रीसिलेक्ट कर रहे हैं, फिर से न्यू अपना इंस्टीट्यूट चॉइस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा, उनका इंस्टीट्यूट चॉइस ही नहीं हो पा रहा है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे परेशान हैं कि उनके जो कॉलेज थे, उनके ट्रेड के जो कॉलेज थे वो वुमेन वाले थे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैम मेरे 8 कॉलेज हैं, 9 कॉलेज है और सब W वाले हैं, सब वुमेन वाले हैं, और मेरे में क्या हो रहा, मेरे में सिलेक्ट हो ही नहीं पा रहा। क्यों होगा भाई, नहीं हो पाएगा। एक दो जो ITOT है वो भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो परेशान हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं एक लोगों का एग्जांपल आप लोगों को किस तरीके का उनके में आ रहा। उनके में नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसी तरीके का मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मैम मेरे में भी आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टूडेंट हैं इनका 73 मार्क्स है। ठीक है, और इनको अपना कॉलेज चॉइस करने के बाद में, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑफिस मैनेजमेंट के हैं, फिटर के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारे में भी कॉलेज चॉइस करने के बाद में क्या आ रहा है, फिर से यही वाला पेज इनका ओपन हो जा रहा है सिलेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। इसका मैंने देखिए एक ही उपाय बताया है कि ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते। आप लोग क्या करिए, निम्मी को सभी लोग कॉन्टैक्ट करिए, बार बार निम्मी को मेल करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, आप लोग जितना हो सके निम्मी से बात करिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन वही निकाल सकते। अभी देखिए लास्ट ईयर चेन्नई वगैरह की और बहुत सारे इंस्टीट्यूट की सीटें लॉक हो गई थी, काफ़ी सारी सीट जो है उन लोगों ने लॉक कर दी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने एक साथ मिलकर निम्मी को मैसेज किया तो उन्होंने क्या किया, कुछ सीटों को ओपन किया। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं कि जो ओपन हो ही नहीं रहे ट्रेड के, तो आप लोग मैसेज करिए कि हमारे में ये सब नहीं हो पा रहा है, कॉलेज चॉइस नहीं हो पा रहा है, हमसे 1000 रुपये जमा करवा लिए गए, तो हमसे 1000 रुपये जमा क्यों करवाए गए, पहले ये गाइडलाइन दे देनी चाहिए थी ना वेबसाइट पर, बच्चों के साथ में क्यों ये सारा धोखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि भाई उनका नहीं चॉइस हो पा रहा है, कॉलेज होते हुए भी नहीं चॉइस हो पा रहा है, फिर से ये पेज आ जा रहा है। देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया, निम्मी को मेल भी किया, मैं दिखाती हूँ एक दो बच्चों का, अभी मैं भी जा रही हूँ निम्मी को मेल ही करने आप लोगों के स्क्रीनशॉट के साथ में, और खुद का भी जो है अपना रिक्वेस्ट वहां पे डालूंगी कि बच्चों को जो है चॉइस करने दीजिए कॉलेज। ठीक है, आप वुमेन वाले में नहीं करने दे रहे, कम से कम जो है जो और जो है कॉलेज है मेल वाले हैं कम से कम उसमें तो करने दीजिए, इस टाइप की क्यों गलतियां कर रहे हैं आप लोग। बच्चे आज देखिए आज ही काउंसलिंग का लास्ट डेट है और आज तक बच्चों का कोई मैसेज का भी रिप्लाई, मेल का भी रिप्लाई कोई नहीं दे रहे, कम से कम उन लोगों को कुछ तो बताइए कि क्या करना है आगे। चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, देखिए इस तरीके का जो मेल है, इस तरीके से बच्चे कर रहे हैं अपना मेल। आप लोग भी रिक्वेस्ट है, जिसके भी जो लोगों का भी इंस्टीट्यूट नहीं चॉइस हो पा रहा वो लोग भी निम्मी को मेल करिए, व्हाट्सअप करिए, निम्मी से बात करिए कि किसी भी तरीके से 10 बजे के बाद में ऑफिस खुलते ही आप लोग भी शुरू करिए, एक बार नहीं बार बार उसी मेल को करिए, बार बार उसी मैसेज को करिए जब तक वो रिप्लाई ना दे दे, क्योंकि वो रिप्लाई दे कुछ तो बताए क्यों नहीं चॉइस हो पा रहा है, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है इसी तरीके से। 1000 रुपये उनके कट गए, ये अगर गाइड लाइन देनी चाहिए थी तो उनको पहले देनी चाहिए थी ना।
देखिए बेटा, मैं आप लोगों से सबसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूंगी कि इसमें चाहे आप हुए चाहे मैं हुई, परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। और इसमें अगर कोई करेगा तो निमी ही करेगा, ठीक है? आप वहाँ पे निमी से बात करिए, किसी भी तरीके से, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जैसे भी आप बात कर सकते हैं, जैसे भी वो बात करें आप वैसे बात करिए उन लोगों से। अपना सोल्यूशन निकालिए कि हमसे 1,000 रुपये जमा करवाए गए, अगर यही करना था आपको तो पहले ये गाइडलाइन दे देनी चाहिए थी। 1,000 रुपये हम क्यों जमा करते हैं? हम भी सोच समझ के जमा करते हैं ना। और जो हमारे कॉलेज है वो भी चॉइस नहीं हो पा रहे हैं, और जो कॉलेज थे वो आप लोगों ने हटाई दिया, हम लोगों को हटाई दिया कि वुमेन वाले में आप लोग चॉइस नहीं कर सकते, पहले पूरी चॉइस दे दी गई थी। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए, बस परेशान मत होइए। उसका सोल्यूशन है कि आप लोग बात करिए, ठीक है? चलिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो डलते ही तुरंत के तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग टाइमली वीडियो को देख सकें। सीआईटीएस की हर एक अपडेट के लिए, छोटी से लेकर बड़ी तक, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम से लेकर फाइनल एग्जाम तक की हर एक अपडेट के लिए कंटिन्यू बस चैनल के साथ में बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ में, नई वीडियो में। थैंक यू।